कुछ खबरें खेल के मैदान से। पाक ऑस्ट्रेलिया वॉलीबॉल सीरीज में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे मैच में भी शिकस्त देकर वाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान ने पहले और दूसरे मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को 0-3 से शिकस्त दी थी। सीरीज के इख्तिताम पर मुनक्कद तकरीब के मेहमान खसूसी और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूर ने इनामात तकसीम किए। इंग्लैंड ने चौथे टी20 मैच में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। लंदन के ओवल ग्राउंड में खेले गए मैच में पाकिस्तान का 158 रन का हदफ इंग्लैंड ने 15.3 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इंग्लैंड की जानब से फुल 45 जोस बटलर 39 रन के साथ नुमाएं रहे। विल जैक्स ने 20, जॉनी ब्रिस्टो ने 28 और हैरी ब्रोक ने 17 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान की जानब से 3 विकेटें हारिस रऊफ ने हासिल की। कौमी कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टी20 क्रिकेट की कामयाब तरीन जोड़ी बन गए। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 मरतबा या इससे ज्यादा रन की पार्टनरशिप बनाने वाली जोड़ी बन गए। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के चौथे टी20 मैच में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने मजबूत तौर पर 24वां 50+ स्कोर बनाया। बाबर और रिजवान की 24 50+ शराकत में से 10 सेंचुरी शराकत में तब्दील हुई। इंग्लैंड के खिलाफ 59 रन की शराकत के साथ बाबर और रिजवान की जोड़ी ने रिकॉर्ड बनाया।